आगरा में पेट्रोल पंप पर बम मिलने की सूचना। आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। बम की सूचना मिलते ही तुरंत एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी मौके पर पहुंच गए। एसीपी ने तुरंत रोड को डाइवर्ट कराया और बम डिस्पोजल दस्ते को बम मिलने की सूचना दी। सूचना मिलते ही बम डिस्पोजल दस्ता जैसे ही मौके पर पहुंचा और बम को स्कैन किया, वैसे ही खतरे की घंटी बज गई। बम डिस्पोजल दस्ता और पुलिस फोर्स द्वारा मौके पर मौजूद सभी लोगों को घटनास्थल से काफी दूर तक हटाया गया। खबर लिखे जाने तक बम डिस्पोजल दस्ता द्वारा बम का परीक्षण किया जा रहा था। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले थाना जगदीशपुरा में 112 के माध्यम से कॉल आई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके खोखे के नीचे कुछ संदिग्ध वस्तु रखी है। और तत्काल इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा पुलिस, SHO जगदीशपुरा, एसीपी लोहा मंडी और पुलिस लाइन से BDDS टीम मौके पर पहुंची। BDDS टीम के द्वारा इसकी जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो एक्सरे मशीन जो एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने के लिए होती है, उसमें कोई ऐसा तथ्य सामने आया नहीं है। एक वायर वहां पर मिला हुआ है जो कि एक मार्बल के डब्बे से कनेक्टेड है, तो अभी इसकी जाँच की जा रही है। अन्य एजेंसी ATS और IB को भी सूचना कर दी गई है। संयुक्त रूप से वहां पर जो भी सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, जो कार्रवाई है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको अमल में लाया जाए। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।